हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम एनवा का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। यहाँ क्वेश्चन ये दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू विद वन विथ इट वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, तो यहाँ पे रीड कर लिया, इसका जो फिगर बनेगा वो मैंने बना दिया है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको एलिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज दे दूँ कि एलिप्स का क्या रहता है। एलिप्स का जो जनरल इक्वेशन है वो मैं यहाँ राइट कर ले रहा हूँ, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। जनरल इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये एलिप्स दिया गया है। जब इस तरह का एलिप्स होता है, 11th में आपने पढ़ा, ये ए ग्रेटर देन बी होता है, तो इस तरह का जो एलिप्स होता है ये हॉरिजेंटल एलिप्स होता है, जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो मैंने यहाँ पे ये फिगर बना लिया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो रहेगा ये, और ये वाला कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो रहेगा। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा और इस यहाँ जो ग्राफ फिगर बनाया है, यहाँ पे एक ये फिगर बना ली, इसके अंदर एक ट्रेंगल बना लिया। ये जो बेस बीसी है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या मैंने जो वर्टेक्स ए है ये मेजर एक्सिस पे है, तो यहाँ भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस वर्टेक्स पे भी ए हम ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रेंगल मैंने बनाया ए बी सी, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तभी आइसोस्केल ट्रेंगल बनेगा। तो अभी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा इसको। और बी का जो कोऑर्डिनेट लिया है वो क्या लिया, लेट बी का कोऑर्डिनेट लिया है एक एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स कोमा वाई। जब ये एक्स कोमा वाई है तो यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स। देखिएगा इस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्स यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव भी लेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, बट वाई यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक्स कोमा वाई एंड माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया गया। ठीक, इसके बाद अब क्या किया गया, यहाँ पे ये फिगर बन गया। और यहाँ पे देखिए ये जो ओरिजिन है इसका, ओरिजिन ये क्या है, इसका सेंटर यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो है। यहाँ से ओ से ए तक की डिस्टेंस ए है, और ओ से डी तक की डिस्टेंस एक्स है, और डी से बी की डिस्टेंस वाई, और डी से सी की डिस्टेंस भी कितनी है, वाई है। क्लियर, तो अभी हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तुमने फिगर जो बना था उसके बारे में आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग राइट करेंगे ट्रेंगल ट्रेंगल ए बी सी इज, ये कैसा ट्रेंगल है, आइसो स्केल है। ठीक है, आइसो स्केल ट्रेंगल्स है, और यहाँ पे जो साइड है आपकी वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये लिया गया। ठीक है, और इसका जो हम लोग बेस की बात करें, इस ट्रेंगल का बेस क्या बनेगा, बेस होगा आपका बी सी, और बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ से देखिएगा बी डी प्लस डी सी ये होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये भी वाई है और ये भी क्या है, वाई है, माइनस ये यहाँ पे क्वाड्रेंट माइनस वाई, और डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही ली जाएगी। तो जो बेस बी सी है वो किसके इक्वल आ गया, आपका टू वाई के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे इसके एल्टीट्यूड के लिए बात करते हैं, तो जब इसका हम लोग एल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, एल्टीट्यूड में क्या मिलेगा, देखिए एल्टीट्यूड कितना है, ए डी है, तो ए डी के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं ए ओ प्लस ओ डी। तो ए ओ यहाँ से ए है, तो ये आपके जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो गया, ए प्लस एक्स हो गया। अब हम लोग इसके एरिया की बात करते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी, देखिएगा यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी। इसको हम लोग एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि एरिया एक फर्स्ट लेटर ए से रिप्रेजेंट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपके पास एच ई आई जी एच टी। ठीक है, ये हो गया आपका बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एरिया क्या बन जाएगा आपको, वन बाई टू इंटू बेस क्या आया, टू वाई, इंटू हाइट क्या है आपकी, ए प्लस एक्स। तो इसमें एक काम करते हैं, सॉरी ये टू से टू हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से जो एरिया है आपको वो कितना मिल गया, ए इज इक्वल टू मिल गया वाई इंटू ए प्लस एक्स, और यही आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अभी हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, यहाँ तक ही हो गया पूरा। अब इसके बाद हम लोग इसकी एक्स की में, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे वाई भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है उसमें हम लोग पहले डीएक्स डी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अपनी तरफ से पॉइंट लिया गया था एक्स कोमा वाई, वो यहाँ वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स में कन्वर्ट करें या फिर वाई में कन्वर्ट करें। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जो हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो मैं यहाँ राइट कर ले रहा हूँ, ठीक। तो फिर से मैं क्वेश्चन फर्स्ट राइट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ए इज इक्वल टू वाई इंटू ए प्लस एक्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। अब यहाँ से हम लोग इस जो इक्वेशन ये दिया गया है, एलिप्स का जो इक्वेशन दिया गया, इससे अगर हम एक्स वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो ए प्लस एक्स है वो रूट कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए वाई कैसे निकलेगा, वाई निकालने के लिए यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया गया एलिप्स का वो राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ पे आप वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, वन माइनस इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाएगा, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर मिल जाएगा, न्यूनतम में मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वाई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पे यहाँ लगेगा आपका ये पूरे पे इतने पे स्क्वायर होगा, क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, देखिएगा मैं पुट करके दिखा रहा हूँ, ठीक। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू ए प्लस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया रूट, अगर हम इसको अभी डिफरेंट, अब पूरा कन्वर्ट तो एक्स में हो गया है, लेकिन इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं, कन्वर्ट पूरा एक्स में हो गया, लेकिन अगर इसको हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड आपका, डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि रूट रहेगा तो रूट से आपका ये रूट में डिफरेंशिएशन कम नहीं होगा, लेंथ ही बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ ऑन स्क्वायरिंग, ये थोड़ा सा लाइन में और किनारे कर लूँ, ठीक, क्योंकि इधर फिर स्पेस कम बचेगा, फिगर भी रहेगा उधर, थोड़ा सा फिगर को ही नोट करा दें, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे अब राइट कर लेंगे हम लोग ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, तो इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के इक्वल तो हम लोग पुट कर लेते हैं जेड, और जेड इज इक्वल टू यहाँ पे जब स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और इंटू में आपको यहाँ पे मिलेगा ए प्लस एक्स पे होल स्क्वायर। अब यहाँ जिससे रूट हो गया कैंसिल, तो अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत क्या हो गया, आप सभी के लिए भी डिफरेंशिएशन बहुत हो गया इजी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना है डी जेड अपॉन डी एक्स, डी ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जेड के फॉर्म में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या किया डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी टू सॉरी डी जेड अपॉन
डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसको फिक्स रखा आप लोगों ने, इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फिक्स कर लिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2 ए प्लस एक्स, और एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा प्लस। अब आप लोग इसको फिक्स रखेंगे सेकंड वाले को, तो ए प्लस एक्स पे होल स्क्वायर ये रखा फिक्स, और इसका जब करेंगे ए का हो जाएगा स्क्वायर का 0 हो जाएगा, इसका दोबारा करेंगे तो इसका जब करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा माइनस में आपको मिलेगा 2x। क्लियर। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अगर स्क्वायर वो हम लोग यूज कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लें, तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू टू इन ब्रैकेट ए प्लस एक्स, और प्लस यहाँ माइनस 2x कर लो, प्लस नहीं माइनस 2x कर लो, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x पहले राइट कर लिया इंटू ए प्लस एक्स पे होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, वहां पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हम ये पूरा फिर से राइट कर लेंगे, देखते हैं अगर कॉपी हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लूँगा तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं हो रहा है, सलेक्ट नहीं हो रहा है, अगर इससे सलेक्ट करके देखा तो नहीं बनेगा। चलिए दोबारा राइट करना पड़ेगा, राइट कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं, जो डी जेड अपॉन डी एक्स मिला है आप लोगों को वो यहाँ पर राइट कर ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे ही रखा, और वहाँ पे आपको मिला था ए माइ ए प्लस एक्स, ठीक है। वही पूरा कॉपी कर रहा हूँ दोबारा, ए माइनस एक्स और इन टू में आपको मिला था टू ए प्लस एक्स, ठीक। और नेक्स्ट था इसमें माइनस 2x, या यहीं राइट कर लूँ माइनस माइनस 2x इंटू ए प्लस एक्स इस पे होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज था, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, तो मैंने वो राइट कर लिया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, जो यहाँ से कॉमन आएगा वो हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन में क्या मिलेगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। तो कॉमन देखो ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स और टू, तो इसमें जो कॉमन आया वो आ गया टू इंटू ए प्लस एक्स पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो बचा, अब देखिए यहाँ पे टू ये सब निकल गया, यहाँ से क्या मिला आपको ए माइनस एक्स, ठीक। और यहाँ सब कुछ निकलने के बाद क्या बचेगा माइनस एक्स, तो जो आपको मिला यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू टू इन ब्रैकेट ए प्लस एक्स पे होल स्क्वायर इंटू ए माइनस 2x, ये आपका आ गया। अभी यहाँ पे यही ब्रैकेट है, ये आपका आ गया है डी जेड अपॉन डी एक्स निकल आया। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप इसमें आता है वो दिखाना पड़ेगा आपको, इसको जीरो, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर रहे हैं, मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, राइट कर रहा हूँ पुट डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू टू इंटू ए प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू ए माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। तो इधर वाला ये सब टर्म चला जाएगा जीरो में, तो जो यहाँ से हमें मिलेगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट को अगर जीरो दिखाएंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू ए, नहीं सॉरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे आएगा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए, तो वो पॉसिबल होगा नहीं। यहाँ पे आपको पहला पहले फर्स्ट ब्रैकेट क्या मिलेगा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो दिखा दिया, तो एक्स
डज नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, अभी मैं इसका रीजन भी दूंगा। दूसरा आपको मिलेगा ए माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया ए अपॉन टू, ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो दिखाया गया एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस ए, ये इसलिए नहीं होगा कि माइनस ए आपका ये वाला पॉइंट है, अगर एक्स इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे फिर ट्रिंगल ही नहीं बन पाएगा, तो इसलिए एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो अब ये निकल आया, अब इसको हम लोग करेंगे अगेन डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमारा जो डी जेड अपॉन डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू निकला है, इसी को हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ डी टू जेड अपॉन डी, सॉरी डी जेड अपॉन एक्स हटा देंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको राइट करके देखिएगा। तो काफी लेंदी क्वेश्चन होते हैं ये सब, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर रहे हैं फिर से डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स पे क्या था होल स्क्वायर इंटू ए माइनस टू एक्स, ये आ गया। अब इसको करेंगे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर पे क्या लिखा जाएगा डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, फिर यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हो गया बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही रखेंगे, तो ये रखेंगे ए प्लस एक्स पे होल स्क्वायर, इसको किया फिक्स, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस टू एक्स, क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन क्या हो गया जीरो। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट कर दूंगा प्लस। अब आप देखिएगा ए माइनस टू एक्स को किया फिक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा टू इंटू ए प्लस एक्स, ये यहाँ पे ब्रैकेट कर लिया क्लोज। अब आपको क्या करना है डी टू जेड अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, जो एक्स की वैल्यू निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू एट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हम जब लोग वैल्यू पुट करेंगे ए की, एक्स के क्या पुट करेंगे ए वाई टू, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस ए अपॉन टू, इस पे क्या लगेगा होल स्क्वायर इंटू माइनस का टू एक्स प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एक्स की जगह पे ए वाई टू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा ए माइनस ए जीरो, तो इसको हम लोग डायरेक्टली पूरा क्या दिखा देंगे जीरो दिखा देंगे, ये डायरेक्ट हम लोग इसको जीरो राइट कर सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा टू बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ, वो एक्स छूट गया है, यहाँ पुट नहीं की वैल्यू, यहाँ भी पुट कर लेते हैं, ठीक। जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए अपॉन, ये आ गया ए अपॉन टू। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टू से टू ये कैंसिल हो गया, तो माइनस आ गया पहले, तो टू बी स्क्वायर और इस एक ए से ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे क्या ए, ठीक है, इंटू इसको सिंप्लीफाई करें टू वन जा टू प्लस वन यानी कि थ्री, तो हो जाएगा थ्री ए अपॉन टू, इस पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको और हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिएगा डी टू जेड अपॉन जो आपको मिलेगा वो आ जाएगा डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू बी माइनस टू, बाद में लिख लेंगे बी स्क्वायर इंटू टू इंटू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो नाइन इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू क्या आ गया फोर, तो ए इससे एक ये पावर कैंसिल, इससे ये टू कैंसिल, तो फाइनली जो वैल्यू मिली माइनस नाइन ए बी स्क्वायर, ये क्या मिला उससे मैटर नहीं है, ये आपका आ रहा निगेटिव, तो आ गया लेस देन जीरो। जब ये लेस देन जीरो हो गया तो यहाँ पे देख लिखेंगे हम लोग सो दैट जेड हैज
जेड की जगह जेड इक्वल टू क्या था पीछे, हम लोगों ने क्या मान डेट किया था, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर भी था, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ए स्क्वायर भी राइट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखाएंगे सो दैट जेड इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू। जब आपका ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो यहाँ पे ए के लिए भी राइट करेंगे, सो दैट ए हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू। अब इस एक्स की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट करेंगे, तो मैं दिखा दूं किसमें पुट करना है। तो फर्स्ट वाले में हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो हम लोग इसमें यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है वाई, तो फिर हमें यहाँ पे पुट करके क्या निकालनी पड़ेगी वाई की वैल्यू। तो बेटर ये है कि हम जो ए निकालने के लिए एक्स वैल्यू इसी में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर सेकेंड में ही पुट कर दें, तो हम लोगों को आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो सेकेंड में हम लोग पुट करेंगे, हम लोग राइट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिएगा ठीक, इसके बाद हम लोग बिल्कुल आंसर के करीब हैं। हम तो यहाँ लिखेंगे पुट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले सेकंड इक्वेशन राइट कर लेते हैं, उसमें क्या था ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स, और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था ए अपॉन टू। तो यहाँ पुट करेंगे तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल ए मैक्सिमम लिख लो, कैपिटल ए मैक्सिमम इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर रूट, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स ये है तो थोड़ा हम लोग यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर मल्टीप्लाई ए प्लस ए अपॉन टू। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, बी अपॉन ए इंटू स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा, फोर बन जाए, फोर माइनस एक वन हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, और आउट ऑफ ब्रैकेट यहाँ थ्री वन टू वन जा टू प्लस वन, यानी कि थ्री ए अपॉन टू। ठीक, तो इस ए से ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपको लास्ट फाइनली मैक्सिमम ए मिलेगा, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा थ्री रूट थ्री, रूट यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा रूट थ्री ए इंटू बी, और वो थ्री पहले है अपॉन इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा टू इंटू टू। तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि जो ए मैक्सिमम आपको मिला वो क्या आ गया थ्री रूट थ्री ए बी अपॉन फोर, ए बी अपॉन फोर, फोर थोड़ा ठीक से बना दूँ, ए बी अपॉन फोर। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया है थ्री रूट थ्री ए बी अपॉन फोर। तो ये इस तरह से आपका आंसर पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये यहाँ पे इसको आप लोग पूरा आंसर आ गया आपका, मैक्सिमम एरिया जो है आइसोस्केल ट्रायंगल जो एक इलिप्स के इनसाइड इंस्क्राइब था उसका मैक्सिमम एरिया ये आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं, काफी लेंदी होते हैं, दो तीन दो पेज तीन पेज में आते हैं, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, थैंक यू।